हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फाइंडर। जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है। और देखिए, आरआरबी एनटीपीसी के जो है वो फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, और साथ साथ मैंने जो यहाँ पर सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल को भी लिया है, क्योंकि इसका भी पेपर जो है वो नियरेस्ट है। सबसे पहले वैसे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की बात करूँ तो इसके अंदर पहले फिजिकल होगा, जो कि सभी लोग क्वालिफाई कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हाइट और चेस्ट मेजरमेंट है ओनली। उसके बाद डायरेक्ट एग्ज़ाम है, और आरआरबी एनटीपीसी का भी जो है एग्ज़ाम जल्दी ही हो जाएगा, अभी फॉर्म भरने के 1 या 1.5 मंथ बाद। ठीक है, तो आज हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी मैथ की, जो कि दोनों के लिए एलिजिबल है। आपको पता होगा कि मैथ सबका सेम ही होता है, और आज हम करेंगे एवरेज का टॉपिक, जो कि हमारा पहला आज का पार्ट रहेगा, और बिल्कुल आसान तरीके से। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, पहले मैं आपको बता दूँ कि एवरेज का मतलब क्या होता है। वैसे तो सबको पता होगा, बट हमारी जो क्लास है बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक जाने वाली है, इसलिए हम पूरा बेसिक क्लियर करके भी चलेंगे। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये संख्याएँ हैं 1, 2, 3 और 4। अब हमको इनका एवरेज निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? एवरेज का मतलब होता है संख्याओं का जोड़ और नीचे जितनी संख्याएं हैं वो। ठीक है, यानी कि संख्याओं का जोड़ और नीचे जो है कुल संख्या। अब संख्याओं का जोड़ यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 10। और टोटल संख्या हमारे पास 4 है, तो हम इसको 4 से भाग कर देंगे, और यहाँ पर जो है हमारा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा एवरेज का मीनिंग। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ओके, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने इस तरह से कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब औसत ज्ञात करने का सिंपल सा फॉर्मूला, जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, कि संख्याओं का जोड़ और बटे में कुल संख्याएं। ठीक है, अब देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि टोटल संख्या हमारी कितनी है? 6 हैं। ऑलराइट, और इनका जोड़ हमको पहले यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ओके, तो इनका अगर हम जोड़ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 36, और टोटल संख्या हमारी 6 है, तो इसको हम 6 से भाग कर देंगे, और यहाँ पर हमारा जो औसत आएगा वो हमारा आएगा बिल्कुल राइट 6 आंसर। ठीक है, यहाँ पर मेरे से ऑप्शन जो है किसी और क्वेश्चन के यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं, ऑप्शन इसका हमारा सही जवाब रहेगा हमारा 6। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 से 51 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए, इसको आप दो तरीके से भी कर सकते हैं। एक तो आप सिंपल सा फंडा वही अपनाएंगे कि विषम संख्या लिखेंगे पहले 1, 3, 5, 7 और ऐसे ऐसे करते करते 51 तक जाएंगे, फिर उनको जोड़ के आप जो है टोटल संख्याओं से भाग करेंगे। बट हमको ऐसा नहीं करना। आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब भी ऐसा कोई रकम दे दे, ऐसी कोई टर्म आपको दे दे, ठीक है, आपको हमेशा क्या चेक करना है? इनका गैप। देखिए, 1 से 3 के बीच में कितने गैप है? 2 का गैप है। 3 से 5 के बीच में भी 2 का गैप है। 5 से 7 के बीच में भी 2 का गैप है, यानी कि ऐसे जो है 2-2 का गैप चलता रहेगा। अब आपको ये देखना है कि जहाँ पर भी ऐसे संख्याओं में गैप हमेशा समान हो, तो फिर हम औसत कैसे निकालेंगे? पहली संख्या और लास्ट की संख्या को हम जोड़ देंगे। 51 और 1 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। क्योंकि हमने 2 ही संख्याएँ जोड़ी हैं, इसीलिए हम 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट औसत आ जाएगा 26। ओके, ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको पहले ऐसे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको गैप चेक करना है। अगर यहाँ पर डिफरेंस बिल्कुल दोनों का सेम है हमेशा, तो आपको पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है, तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा? औसत आ जाएगा 26। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, 3 के पहले 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब 3 के पहले 5 गुणज कौन से होंगे? पहला गुणज होगा 3, 3, 6, 9, 12, 15, यही होगा 3 के पहले 5 गुणज। अब यहाँ तो आप इसको जो है जोड़ सकते हैं, फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर 5 से भाग कर सकते हैं। ठीक है, बट मैंने आपको एक तरीका भी थोड़ी देर पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में, कि अगर आपको यहाँ पर गैप दे रखा है, यहाँ पर 3-3 का गैप है, सब में सेम गैप है, तो आपको वही ट्रिक अपनानी है कि पहली संख्या और लास्ट की संख्या को हमेशा जोड़ देना है, जो कि हमारा हो जाएगा 18। क्योंकि हमने 2 ही संख्याएं जोड़ी हैं, इसलिए हम 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा औसत कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी टर्म आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, यहाँ पर तो कम संख्याएँ दे रखी है, इसलिए आप जोड़ के भी निकाल सकते हैं, बट अगर बोल देता कि 3 के पहले 21 गुणजों का औसत, तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती जोड़ने में, इसलिए आप जो है ये तरीका अपनाना गैप चेक करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिएगा, प्राकृतिक संख्याएं सिंपल सी बात है, 1
दो तीन चार, और ऐसे ही करते करते ये चली गई 50 तक। अब हमको इनका औसत निकालना है, तो वही दो तरीके हैं, या तो आप इनको जोड़ लीजिए और फिर 50 से भाग कर दीजिए क्योंकि 50 संख्याएं पूछी हैं, या फिर इनका गैप चेक कर लीजिए, गैप यहाँ पर सेम है, ठीक है, यहाँ पर गैप एक का गैप है, सब जगह एक एक का गैप है, यानी कि डिफरेंस सबका सेम है, तो हम वही ट्रिक अपना लेंगे, पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 51, और फिर हम इसको दो से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा औसत कितना आ जाएगा 25.5, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ठीक है। बट ये ट्रिक तभी काम आएगी जब आपका जो है डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत। इस क्वेश्चन में भी किसी को अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ, 7 का पहला गुणज जो होगा 7, 14, 21, 28, ठीक है, ऐसे करते करते कितने पे जाएगा, यहाँ पर 49 पे जाएगा। ओके, अब यहाँ पर डिफरेंस क्योंकि हमारा बिल्कुल सेम है, सब में 7-7 का ही डिफरेंस है, तो वही ट्रिक अपनाएंगे, पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 और 7 16, 56, फिर हम इसको 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ से हमारा राइट आंसर आ जाएगा 28, यानी कि ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं थोड़े अलग से क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, सभी लड़कों की औसत आयु क्या होगी। अब देखिएगा यहाँ पर कि 5 लड़क, पहले आपको बता दूँ औसत का मतलब, हमने भी डिस्कस किया था, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कुल संख्याओं का जोड़ और बटे में कुल संख्याएं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा कि कुल संख्याएं निकालेंगे तो औसत यहाँ पर दे रखा है 5 लड़कों का 12, तो 5 को अगर हम 12 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है हमारी कुल संख्याएँ आ गई, कुल संख्याएँ आ गई। ओके, अब नेक्स्ट दे रखा है अन्य 3 लड़कों का औसत, 3 गुणा, यहाँ पर मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा कट हो गया, यहाँ पर फिर से देखिएगा कि जो 5 लड़कों की औसत आयु है वो कितनी है 12 वर्ष है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पर 12 × 5 = 60, और अन्य 3 जो लड़के हैं उनकी औसत आयु है 16 वर्ष, तो औसत आयु यहाँ पर दे रखी है, और हम यहाँ पर गुणा कर देंगे तो अन्य 3 लड़कों की कुल आयु कितनी हो जाएगी 48। अब औसत का मतलब क्या होता है कि कुल संख्याओं का जोड़, यानी कि 60 और 48 को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 108, ठीक है, और सभी 8 लड़कों की औसत आयु पूछी है तो हम इसको 8 से गुणा भाग कर देंगे तो यहाँ पर हमारा सही जवाब आ जाएगा। ओके, तो 108 को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 8 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से हमारा औसत आ जाएगा कितना 13.5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, 30 परिणामों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, सभी परिणामों का औसत क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा जो 30 परिणाम है उनका औसत है 20, तो पहले हम कुल जो है परिणाम वो निकाल लेंगे, यानी कि टोटल संख्याएं कितनी आ जाएंगी, इसको हम गुणा करेंगे तो 600 आ जाएंगी। फिर बोला अन्य जो 20 परिणाम हैं उनका औसत 30 है, अब क्योंकि औसत 30 है तो इसको अगर हम गुणा कर देंगे तो टोटल संख्याएँ आ जाएंगी, यहाँ पर भी कितनी आ जाएंगी 600 आ जाएंगी, तो कुल संख्याएँ हमारी कितनी होगी यहाँ पर 1200 हो गई। अब पूछा परिणामों का औसत, तो क्या होता है हमारा टोटल जो है हमारा नंबर उनका जोड़ जो कि हमारा 1200 है, और हमारे पास कुल संख्याएं कितनी है 30 और 20 कितने हो जाएंगे 50, तो कुल संख्याएं का जोड़ और बटे में कुल संख्याएं, इसको हम यहां पर कैंसिल आउट कर देंगे तो यहां पर हमारा आ जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट है, 4 में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है, यदि अंतिम संख्या 9, 19 हो तो पहली संख्या क्या है। अब यहाँ पर आपके सामने 4 संख्या है, यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ A, B, C और D, ठीक है। अब देखिए पहली जो 3 संख्याएं हैं उनका औसत है 15, यानी कि हम कहें कि A+B+C, ये कितनी संख्याएं हो गई 3 संख्याएं होगी, और इनका औसत 15 है तो इसको अगर मैं गुणा कर दूंगा टोटल संख्याएं आ जाएंगी, यानी कि 45, क्लियर। अब अगर लास्ट की जो 3 संख्याएं यानी कि B, C और D हैं, इनका औसत दे रखा है, यानी कि संख्या ये भी 3 है और इनका औसत दे रखा है 16, इसको अगर मैं यहाँ पर गुणा कर दूँ तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 48।
अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो अंतिम संख्या है वो 19 है, अंतिम संख्या हमारी डी होगी और डी की वैल्यू दे रखी है हमको 19, यानी कि बी सी डी की है 48 जिसमें से डी 19 है। अगर मैं इसमें से 19 घटा दूंगा तो मेरे पास सिर्फ और बी और सी बचेगा, इसलिए मैंने इसमें से क्या कर दिया, 48 में से मैंने 19 यहाँ पर माइनस कर दिया। तो 19 माइनस करने के बाद यहाँ पर मेरा बचेगा 29। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर चीज़ यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखिए बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 29 आ गई। ऑल राइट, अब पूछा इसने पहली संख्या क्या है। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा है ए की वैल्यू क्या है, बी और सी की वैल्यू कितनी है, 29 है, और ए बी सी की वैल्यू है 45। अब 45 में से अगर मैं 29 माइनस कर दूँ तो ए की वैल्यू सिंपल आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो 45 में से मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 29 माइनस कर दिया, तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन है 16 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसत 8 है, इनके औसत को 9 बनाने के लिए इनमें जो सातवीं संख्या जोड़ी जानी चाहिए वह संख्या क्या है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो 6 संख्याएँ हैं उनका औसत है 8, तो हम पहले टोटल संख्याएँ निकाल लेंगे 6 × 8 करके, तो वो हो जाएंगी हमारी 48। चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए कुल संख्या है हमारी 48, इसमें हमको क्या संख्याएं मिलानी है, जिसको मैंने लिख दिया प्लस एक्स, ओके, ताकि हमारा जो औसत है वो कितना हो जाए, 9 हो जाए। संख्याएं हमारी कितनी हैं, 6 ही रहेंगी, सिर्फ औसत हमको ये एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है ताकि हमारा औसत जो है वो 9 बन जाए। ये स्ट्रक्चर आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ये 6 इधर जाके 9 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 54। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है हमारा 48 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 54 हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 48 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 120 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है, तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 है। तो परीक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब इसको देखिए हम ट्रिक से करेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ अपनी वीडियोस में, कि देखिए जो पास हुए विद्यार्थी, यहाँ पर हमने लिख दिया पास हुए विद्यार्थी, यहाँ पर हमने लिख दिया फेल हुए विद्यार्थी। जो पास हुए विद्यार्थी हैं उनका औसत है 39 और जो फेल हुए हैं उनका औसत है 15, और जो कुल विद्यार्थियों का एवरेज औसत है वो कितना है, 35 है। अब अपने एलिगेशन के मेथड से हम इसको कर देंगे यहाँ पर माइनस करके, तो देखिएगा यहाँ पर 35 में से 15 माइनस होगा तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ओके, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4। अब इसको हम और कैंसिल कर देंगे, 4 × 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4×5 20, यानी कि 5:1 यहाँ पर रेशो आ गई। चीज़ें समझ में उम्मीद करता हूँ आ रही होंगी। अब देखिए रेशो का टोटल कितना है, 5 और 1 6 है, यहाँ पर देखिएगा 6 है हमारा रेशो का टोटल, और टोटल विद्यार्थियों का टोटल है हमारा 120, तो 6 की वैल्यू हमने 120 के इक्वल कर दी। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 20 आ जाएगी। अब इसने पूछा है कि जो परीक्षा में विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं वो कितने हैं। अब जो पास हुए विद्यार्थी का देखिएगा, यहाँ पर हमारा रेशो कितना है, 5 है। अब 1 की वैल्यू 20 है तो 20 को हम क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो 20×5 कितना होता है, 100 होता है, ओके। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, 100 विद्यार्थी जो है वह परीक्षा में पास हुए हैं, ठीक है। तो गाइस यही था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर आगे मुझसे फॉलो भी कर सकते हैं और कुछ बातें हैं तो वो भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।